नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय क्या है विधानसभा से लाइव क्या है स्पीच दे रहे हैं। इस स्पीच के अंदर उन्होंने क्या है, HKRL के जितने भी जो कर्मचारी थे, 1,20,000 कर्मचारी को क्या है, उनको क्या नियमित करने के लिए, यानी कि जो उनको जॉब सिक्योरिटी जो देनी थी उसको ऊपर क्या बयान दे रहे हैं। तो आप इस क्लिप को देखिए, और इसमें क्या है, जो हरियाणा में जो ग्रुप CET का जो एग्जाम होता है उसके तहत जो भी उस CET को पास करेगा उनको क्या 9,000 रुपये की क्या है पर मंथ क्या है जो राशि दी जाएगी। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है, इसमें आप इस क्लिप को देखिए। सबसे पहले बीते 10 वर्ष में ऐसी हर रुकावट को हटाया गया जिसके कारण युवाओं को लटकना या भटकना पड़ता था। सरकार ने ग्रुप C व D की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया है, साथ ही योग्यता के आधार पर भर्ती अभियान चलाकर बिना पर्ची के 1,70,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। मेरी सरकार ने हाल ही में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देकर चुनावों से पूर्व किए अपने वादे पर खरा उतरने का काम किया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी Part 1 और Part 2 सहित HKRN के तहत कार्यरत लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी दी है। मेरी सरकार 2,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके अलावा 5,00,000 युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर दिए जाएंगे तथा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के माध्यम से 1,00,000 मासिक स्टाइपेंड की सहायता भी दी जाएगी। CET की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको 1 साल में नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें अगले 2 वर्ष तक 9,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। विदेशों में रोजगार पाने की इच्छुक युवाओं को सरकार उचित मार्गदर्शन और मदद प्रदान करेगी। टंकी रूट की